नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के आजमगढ़ से है, जहां आजमगढ़ फैजाबाद राजमार्ग पर स्थित शिव मंदिर के रूप में भवरनाथ मंदिर सैकड़ों वर्ष से जनपदवासियों के लिए आस्था का केंद्र बना हुआ है। बताते चले, जनपद में भगवान शिव के अनेक मंदिर हैं, लेकिन भवरनाथ मंदिर काफी प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर पौराणिक महत्व के समेटे हुए है, इस कारण यहां आने जाने वाले भक्तों का संख्या काफी बढ़ा रहता है। मानता है कि मंदिर के स्थान पर आसपास के क्षेत्र में सैकड़ों साल पहले घना जंगल था। एक बार इस देव स्थान पर किसी निर्माण के लिए लोगों ने जंगल की सफाई का कार्य किया। जैसे ही प्रारंभ किया, जमीन के अंदर से हजारों की संख्या में भौरे निकले, जिससे लोग भाग खड़े हुए। इसके बाद किसी तरह जब दूसरी बार खुदाई हुई तो हजारों की संख्या में सांप बिच्छू निकलने लगे और लोगों को काटने लगे। महाशिवरात्रि के पर्व पर यहां पर मंदिर में दर्शन पूजन के लिए हजारों की संख्या जुटी और लोगों ने भगवान भोलेनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। आप देख रहे हैं आजमगढ़ से राकेश वर्मा की रिपोर्ट। मैं यहाँ से बचपन से आता हूँ, इससे पैदा हुआ हूँ। यह बहुत प्राचीन मंदिर भवरनाथ भोले की है, जिनकी असम कृपा है। आजमगढ़ की पावन धरती पे बहुत ही भव्य बहुत सुंदर मंदिर है। जो आस्थावान व्यक्ति आते हैं, उनकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। मैं इनके आशीर्वाद से हाईकोर्ट में अस्थायी अधिवक्ता हूँ। बाबा भोलेनाथ की बहुत कृपा होती है। आज महाशिवरात्रि का पर्व है, हम बाबा भोलेनाथ से आशीर्वाद मांगेंगे कि सबकी मनोकामना पूर्ण करें, सबकी इच्छा पूर्ण करें, सबको आशीर्वाद दें। बाबा भवरनाथ मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है आजमगढ़ धरती पे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।